अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन शेर और आज मैं आपके लिए रिव्यू लाया हूँ होंडा विजल 2015 मॉडल और जी वेरिएंट की ये गाड़ी है और ब्लैक इंटीरियर के साथ ये गाड़ी है। बड़ा ही कमाल का इसका इंटीरियर है, बड़ी कमाल की इसकी ड्राइव है और बहुत ही आला परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। 2013 में दोस्तों जापान में होंडा विजल होंडा की तरफ से मुतारफ कराई गई थी 2013 में। और आगे हम अपने रिव्यू को बढ़ाते हैं, मैं आपको एक्सटीरियर इसकी लुक्स और इंटीरियर दिखाता हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों होंडा विजल क्रॉसओवर कैटेगरी में फॉल करती है गाड़ी। क्रॉसओवर कैटेगरी से इस गाड़ी का ताल्लुक है। नज़र ये एसयूवी की तरह आती है बट ये एसयूवी नहीं है, यू कैन से क्रॉसओवर। और स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की बॉडी से। दोस्तों 17 इंच का इसका ये व्हील है और ड्यूअल कलर में है, बड़ा ही खूबसूरत। और होंडा की ब्रांडिंग है व्हील के ऊपर, साइड पे फेंडर के ऊपर इसकी हाइब्रिड की बैजिंग है और कीलेस एंट्री है इस गाड़ी में। अगेन इसके अपने व्हील्स और इसकी टेल लाइट्स मैं आपको दिखा दूँ तो बड़ी खूबसूरत किस्म की इसमें LED लाइट्स होती हैं पीछे और ऊपर टॉप पे इसकी लावा लाइट्स हैं। अगेन हाइब्रिड बैजिंग, होंडा का ब्रांड का मार्का विलन, विजल की बैजिंग और फ्यूल टैंक। इसके बैक डोर्स जो हैं, रियर डोर्स की ओपन, बड़ी स्टाइलिश और बड़े खूबसूरत हैंडल्स हैं इस गाड़ी के। और अगेन कीलेस एंट्री का कंट्रोल इस डोर में भी है, इसका लेफ्ट साइड पे भी। और इसके जो मिरर है, मिरर के बड़ी खूबसूरत किस्म का नीचे ड्यूअल मिरर होता है इसका, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए। बात करते हैं इसकी फ्रंट लाइट्स की। लाइट्स बहुत ही खूबसूरत किस्म की, इसमें आपको DRLs मिलती हैं नीचे बॉटम में और ज़ेनन की ड्यूअल LED प्रोजेक्शन लाइट्स हैं। ये साइड पे हैलोजन लाइट होती है इसकी और ये ड्यूअल LED प्रोजेक्शन लाइट्स हैं। और क्रोम की इसकी फिनिशिंग के साथ आपको ग्रिल मिलती है, फ्रंट पे कैमरा मिलता है। और ओवरऑल गाड़ी के आप वॉक अराउंड देख लें, गाड़ी बड़ी ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, ग्रेसफुल कार है ये। बॉटम पे जो है इसके बम्पर के नीचे जो किट लगी हुई है ये आफ्टर मार्केट है। और बात करते हैं इसके इंटीरियर में, इंटीरियर की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इसके इंटीरियर साइड पे। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम इसके सारे इंटीरियर पे बात करेंगे, राइट से लेकर लेफ्ट साइड तक जाएंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट। इसका जो आपका राइट साइड का हैंडल है, डोर हैंडल है, इसमें क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। ये आपके चारों विंडोज़ जो हैं इसका कंट्रोल है और चारों ऑटो विंडोज़ हैं, वन टच पे ये अप डाउन हो सकते हैं चारों विंडोज़। और ये आपके जो हैं रिट्रैक्टेबल पावर मिरर्स हैं और उसका कंट्रोल है और ये आपका विंडोज़ को लॉक कर देता है, चारों विंडोज़ को। और ये आपकी गाड़ी का लॉक अनलॉक का बटन है। ओके, और ये नीचे रेन सेंसर का बटन है और फिर उसके साथ आपकी जो हाइब्रिड नॉइज़ होती है उसका बटन है, उसका कंट्रोल है। और इसके साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और इकोन का बटन है, इकोनॉमी मोड पे आप जिससे गाड़ी को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमी मोड ऑन करें तो आपको ये राइट साइड पे मीटर में भी इसका डिस्प्ले आ जाता है। ऊपर राइट साइड पे इसकी वेंट, AC वेंट। फिर आते हैं जी इसके स्टेयरिंग की तरफ। स्टेयरिंग की राइट साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि सिमिलर एज 2014 ऑनवर्ड सिविक्स में भी हैं, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उनके भी ऐसे ही कुछ कंट्रोल्स हैं। 3-spoke इसका स्टेयरिंग है। और बॉटम पे आपको ये जो राइट साइड पर डिस्प्ले है इसके कंट्रोल्स मिलेंगे मीटर का, ये आप इस तरह से इसके देखें। अगर फ्यूल एवरेज वगैरह और सारी डिटेल्स और RPM सेट करना हो आपने डिस्प्ले पे, या बैटरी से रिलेटेड आपने हाइब्रिड बैटरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी हो क्लस्टर में, तो ये उसके डिस्प्ले को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका देखें आप, अगर इसको सेट करें, इसके ट्रिप्स को सेट करें ऑडोमीटर पे, तो ये भी आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। ओके, मिड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और ये आपका यहाँ पे हॉर्न और एयरबैग होता है इसमें, एक स्टीयरिंग में।
लेफ्ट साइड पे आपके ये मल्टीमीडिया कंट्रोल हैं और वॉल्यूम अप डाउन ट्रैक्स को और मोड चेंज करने के लिए, तब आप कोई भी अपने मल्टीमीडिया की मोड चेंज करनी हो गानों की, या किसी आप रेडियो लगाना चाह रहे हैं, डिस्क लेके जाना चाह रहे हैं, या यूएसबी या ब्लूटूथ व्हाटएवर सोर्स बटन है उसका। बाकी ये मल्टीमीडिया रिलेटेड सारे देखिए, ये भी इसी तरह से है और इसका भी इसी तरह से ही है। अच्छा, इसका जो ये जो स्क्रीन लगी हुई है, ये आफ्टर मार्केट स्क्रीन डली हुई है, एंड्रॉयड पैनल इस पे सारा लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है। ओके दोस्तों, इसकी मीटर की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो आपको डिस्प्ले आ रहा है, ये आपकी सबसे लेफ्ट मोस्ट जो है ये आपकी हाइब्रिड डिटेल्स हैं, लाइव हाइब्रिड डिटेल्स आपको ये शो करती है। जब गाड़ी आपकी चलती है तो आपको इससे पता चलता है कि आप बैटरी मोड पे हैं या पावर मोड पे हैं, और ये साथ में ही आपके जो गियर का डिस्प्ले है वो यहाँ पे PRNDL, ये आपके गियर का डिस्प्ले है। अभी लेट्स सपोज गाड़ी पार्किंग में है, पार्किंग लाइट भी यहाँ पे ऑन है, इसको लेट्स सपोज हम डी में करते हैं, अगर यहाँ पे डी का एक बल्ब भी आ गया और ये यहाँ पे भी डिस्प्ले आ गया है कि आप डी मोड में आ गए हैं, ड्राइविंग मोड में आ गए हैं। इन केस अगर हम इसको न्यूट्रल करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे इसकी एक बल्ब ऑन हो गया और इधर भी आपको ये डिस्प्ले आ गया, ठीक है। इसी तरह आप इसको रिवर्स में भी डालें या अगेन पार्किंग में करें तो ये आपका डिस्प्ले आ जाता है। नीचे इसका वॉच है, आपको टाइम नज़र आएगा यहाँ पे, और नीचे टेम्परेचर है, देन उससे नीचे लाइन जो है ब्लू लाइन, इसके नीचे आपको ये रेडी क्या योर कार इज स्टार्ट, क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है और जब बैटरी मोड पे होती है तो गाड़ी बहुत साइलेंट हो जाती है, तो ये इसीलिए हाइब्रिड गाड़ियों में रेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि आपको अंदाज़ा हो कि योर कार इज़ रेडी एंड रेडी टू मूव। आप इसको बस डी में डालें और गाड़ी को ड्राइव करें। ओके, इसकी जो लाइट है ये बेसिकली थोड़ा आपको शेड पर्पल टाइप फील हो रहा होगा, बेसिकली ये ब्लू है, और इसकी तीन कलर्स हैं इसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मूव करते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। और वो इस तरह से है कि इसके तीन ड्राइविंग मोड्स हैं, इन केस अगर आप इसे स्लो ड्राइव कर रहे हैं, इकोनॉमी मोड पे आप स्लोली ड्राइव कर रहे हैं तो इट विल रिमेन ब्लू, देन अगर आप नॉर्मल मोड पे इसे ड्राइव करते हैं तो ये आपका आहिस्ता आहिस्ता ब्लू से ग्रीन में टर्न हो जाएगी इसकी जो कलरिंग है, और अगर आप इसे स्पोर्ट्स मोड पे या एक्सेलरेट ज़्यादा करते हैं तो इट विल टर्न टू रेड, ठीक है। ये इन केस अगर आप इसका जो स्पोर्ट्स मोड है ये आप दबाएं तो ये इसका रेड हो गया, ये स्पोर्ट्स मोड अप्लाई होते ही गाड़ी या आपको मीटर में भी आ गया, स्पोर्ट्स मोड ऑन हो गया और ये सारा रेड हो गया। ये बड़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव मीटर की ये लुक होती है, अगेन बैक टू नॉर्मल मोड, और अगर आप इसको इकोनॉमी मोड ऑन करें इसकी तो ये ग्रीन हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा, ये देखिए इकोनॉमी साथ में आ गई है, ठीक है। और यस, ये सारा हो गया, ये इसके आपके पार्किंग और ऑटो लाइट्स के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, और ये देखें अगर आप इसे यहाँ से ऐसे करें तो ये ऑटो लाइट्स पे चली जाएगी। इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं ये, और ऑन द लेफ्ट साइड पे ये आपके जो रेन सेंसर्स, वाइपर्स और बैक वाइपर और फ्रंट वाइपर्स और उसके सारे जो हैं आपके ये कंट्रोल्स हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके, क्योंकि ये जी वेरिएंट है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ पैडल शिफ्टर्स, हमें इसमें पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। ये होंडा विजल जी ऑप्शन के साथ हम गाड़ी का जी वेरियंट का हम रिव्यू करें तो इसमें पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स क्या हैं, बेसिकली आप हैंडल से ही अपने गियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, आप मतलब पहले से दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, इनको आप शिफ्ट कर सकते हैं गियर्स को। ये माइनस है और इसके ऊपर ये प्लस है, इनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इफ़ यू आर बिगिनर। माइनस करेंगे तो गियर जो है वापस जो है आप चौथे गियर से इसको इसे प्रेस करेंगे तो तीसरे गियर में आ जाएगा। इस तरह से आप इसको मतलब एक किस्म का आप कह लें कि जैसे टिप्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होती हैं इसी तरह से आप इसको हाथों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअली इसकी वैसे नीड नहीं पड़ती क्योंकि इसकी गियर ट्रांसमिशन बहुत एफिशिएंट है, गियर शिफ्टिंग बहुत एफिशिएंट है। अब आते हैं जी हम लेफ्ट साइड पे, पावर बटन, आपको पावर स्टार्ट ऑन ऑफ जो गाड़ी का मेन प्राइमरी बटन है वो ये है, हैजर्ड लाइट्स का ये बटन है, उससे ऊपर एसी वेंट है, और ये जो इसका पैनल है ये टच पैनल है बड़ी खूबसूरत, और इसमें आपको ये जो कंट्रोल्स हैं इसके ये हीटिंग सीट्स के कंट्रोल्स हैं, और ये हीटिंग सीट की आप इंटेंसिटी भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या इसको ऑफ कर सकते हैं। और ये जो आपको एसी है इसका, ये फ्रेंड्स इसका एसी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है,
आप दोनों तरफ का जो एसी है ड्राइवर और पैसेंजर साइड के एसी के टेम्परेचर को आप अलग अलग सेट कर सकते हैं या उसको आप एक जैसा भी सेट कर सकते हैं. तो यू गॉट द ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी इन विजिल. और जो हीटिंग सीट्स की ऑप्शन होती है ये जी ग्रेड की गाड़ियों में होती है, एक्स में भी बहुत लिमिटेड गाड़ियों में ही आई है. बाकी आपके ये एसी के कंट्रोल्स हैं, ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसमें. और बाकी यहाँ पे आपका फ्रंट डिफॉगर और ये रियर डिफॉगर कंट्रोल हैं. इससे नीचे आ जाएं तो ये थोड़ा सी एक स्पेस है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे चाबी रखते हैं, मैंने भी चाबी रखी है. और ये आपका गियर नॉब है, बड़ी खूबसूरत और ये बड़ी एक लाइट सी प्यारी सी इसकी गियर नॉब है. ये देखिए इसको, ये पार्किंग में आप इसे पार्किंग में लेके जाना चाहते हो तो यहाँ से, अदरवाइज अगर आप इसको ये ड्राइव करें तो इस तरह से, एल में करें तो इस तरह से. अगेन बैक टू पार्किंग. बड़ी खूबसूरत इसमें कलर फिनिशिंग है और रात के टाइम बड़ी खूबसूरत यहाँ पे एक ऊपर से ये जो लाइट है, लाइट से यहाँ से छोटी छोटी इसकी LED लाइट से यहाँ से ऐसे डिस्प्ले इसके ऊपर पड़ रहा होता है ब्लू ब्लू सा, बड़ा प्यारा लगता है. ये इसका आपका स्पोर्ट्स मोड का बटन है. इसके बटन वाइज इसमें दो मोड्स हैं, एक आपको मिलता है इसमें इकोनॉमी मोड और दूसरा आपको मिलता है इसमें स्पोर्ट्स मोड, ठीक है. और फिर इसके बाद आपको पार्किंग ब्रेक का जो इलेक्ट्रिक इसकी जो हैंड ब्रेक जिसको आप कहते हैं, ये पार्किंग ब्रेक का कंट्रोल है. होंडा सिविक 2017 ऑनवर्ड्स में भी आपको मिलता है, बहुत सारी और गाड़ियों में मिलता है, CHR में भी मिलता है. और ये आपका ब्रेक होल्ड का बटन है और बड़ी खूबसूरत किस्म की क्रोम की ये फिनिशिंग है. और ये देख लें, जो कि पाकिस्तानी गाड़ियों में आपको इस तरह का काम बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये जैपनीज डिज़ाइन गाड़ी है. तो ये इसमें इस तरह से इंटीरियर को बड़ी खूबसूरत, ये आपका जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट है, कप होल्डर है, बड़ी खूबसूरत किस्म की आपको स्पेस मिलती है यहाँ पे. और इवन इसमें अगर आप कॉफ़ी कप रखना चाहें तो ये उसको फर्दर आप यहाँ पे उसको अगर आप स्टक करना चाहें तो ये उसके लिए है. या कोई और चीज़ अगर आप इसमें स्टक करके रखना चाहें, कॉफ़ी कप या कोई भी चीज़ उसको ग्रिप देने के लिए नीचे से एक और ये उसे होल्ड कर लेती है, जो स्पेस है स्टोरेज जो है. इस तरह से इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है. ये आपका जो है आर्मरेस्ट है और छोटा सा कंपार्टमेंट यहाँ पे भी आपको मिलता है, आर्मरेस्ट को आप आगे भी कर सकते हैं. ओके दोस्तों, इसकी जो सीट्स हैं ये हाफ लेदर सीट्स हैं और हाफ लेदर हीटिंग सीट्स होती हैं इसकी विजल की फ्रंट दोनों सीट्स. क्योंकि ये ब्लैक रूम वाली गाड़ी है, इसमें आपको ब्लैक वाइट और ऑरेंज रूम में गाड़ियाँ मिलती हैं. ये ब्लैक रूम वाली बड़ी खूबसूरत इसकी गाड़ी है और यहाँ पे डोर्स में आपको ये फैब्रिक टाइप मटेरियल मिलेगा, एक बड़ा मोटा सा खूबसूरत सा फैब्रिक और साथ में इसके ऊपर जो है कॉन्ट्रास्ट के साथ स्टिचिंग है. और नीचे जो है यहाँ पर एक सॉफ्ट सी पैडिंग है. अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और अगेन यहाँ पर सारा जो है सॉफ्ट पैडिंग है और क्रोम की फिनिशिंग जगह जगह पे दी हुई है इसी वेंट्स के ऊपर, नीचे गियर साइड्स के ऊपर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर. और इसमें आपको छः एयरबैग्स मिलते हैं, टू इन द पिलर्स और एक स्टीयरिंग में, एक बोर्ड में, अगेन पिलर में, और दो एयरबैग्स आपको बैक पिलर्स में. और फ्रंट साइड पे आपकी जो स्पेस है बड़ी अच्छी स्पेस है, लेग स्पेस बहुत अच्छी है, लेग रूम इसका फ्रंट साइड पे बहुत अच्छा है, सीटिंग फ्रंट वाली सीटिंग इसकी बहुत अच्छी है. अभी चेक कर लेते हैं बैक साइड पे इसकी सीटिंग कैसी है, बस जाके देख लेते हैं. एंट्रेंस पे इसके कुछ पैनल्स पे जो है बड़ी खूबसूरत विजल की बैजिंग हुई हुई है. बैक डोर्स पे भी इसके चार स्पीकर्स आते हैं डोर्स के अंदर, दो फ्रंट और दो बैक डोर्स में. और अगेन इसके ये वही मटेरियल, बैक सीट्स पे भी लेदर यूज़ हुआ हुआ है, हाफ लेदर है. और ये आपके पाउच, फाइल या कोई चीज़ आप इसमें रख सकते हैं. बैक साइड पे भी पावर की सॉकेट दी हुई है, अगर आपको चार्जर वगैरह कनेक्ट करना चाहें तो. ओके आर्मरेस्ट दिया गया है यहाँ पे जी, छोटा सा बड़ा खूबसूरत मज़े का. हेड स्पेस इज़ गुड, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, हेड स्पेस इज़ गुड और लेग स्पेस इज़ ऑल्सो गुड, लेग रूम अच्छा है इस गाड़ी का. बट जो इसका मुझे ड्रॉबैक एक नज़र आ रहा है, इसकी सीट मुझे थोड़ी सी स्ट्रेट लग रही है, बैक साइड से इसकी जो सीट है स्ट्रेट है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, काइंड ऑफ थोड़ी सी है. अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊँ, ये देखिए, ठीक है. जल्दी से इसके ट्रंक की साइड पे जाते हैं, इसको ट्रंक की इसकी मैं
स्पेस दिखा देता हूँ। ये बूट सेपरेटर इस पे लगा हुआ है, अगर आप इसे रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं। सीट्स आर एडजस्टेबल, आप इनको आगे अगर बिठाएं और तो यू कैन कैरी योर ओन एसी और एलईडी, छोटा मोटा स्टाफ आप खुद लेकर आ सकते हैं। आपको पिकअप वैन वगैरह हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें काफ़ी स्पेशियस जगह आप इसको खुद से बना सकते हैं। बूट सेपरेटर आप हटा के सीट्स को फर्दर, और इसका अपना ट्रंक स्पेस भी बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ी इसकी स्पेशियस जो है आए गए आपके दो एयरपोर्ट साइज के बैग्स इसमें आ जाएंगे। हाँ जी, दो आ जाएंगे फ्रंट पे। इस एरिया में आपकी नीचे बैटरीज पड़ी हैं, हाइब्रिड बैटरीज हैं, और ओवरऑल ट्रंक स्पेस इज गुड। ओके दोस्तों, यूजुअली मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता गाड़ियों को ज़्यादा रोड पे भगाने या ओवर स्पीडिंग करने पे, क्योंकि स्पीड लिमिट्स होती हैं हर जगह पे, एंड मोटरवे पे ही मैक्सिमम या हाईवे पे ही हमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो अलाउ करते हैं 120। लेकिन यहाँ पे ये रोड ज़रा खाली है, मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि इसका व्हीकल का रिस्पॉन्स क्या है। स्पोर्ट्स मोड पर डाले, पिक इसकी बहुत ही अच्छी है, स्पोर्ट्स मोड पर डाले बगैर ही इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हमने थोड़ा सा गाड़ी भगाई। और पिक और सस्पेंशन थोड़ी सी इसकी स्टिफ है, गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। ड्रॉबैक इसका एक ही है, स्टेपनी नहीं है इसमें। और सेकंड ड्रॉबैक इसका ये है कि जी 2014 तक इसका जो गियर था उसमें काफ़ी लोगों को इश्यूज फेस करने पड़े, 2014 ऑनवर्ड्स जो है गियर इश्यूज सॉल्व हो गए थे। ओके दोस्तों, ये था आज का हमारा विजल 2015 मॉडल का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई तो तब भी हमें बताएं, डिसलाइक बटन है आपके पास, लेकिन कमेंट सेक्शन में हमें आगाह ज़रूर किया करें, हमें गाइड करें, हमारी रहनुमाई करें, और वीडियो को हमारी लाइक करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। हमारा चैनल नया है, काइंडली हमें सब्सक्राइब करके और ज़रा बूस्ट दिलवाएं, हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करें। और दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट किसी अच्छी सी गाड़ी के साथ। अपना तब तक बहुत बहुत रखें ख्याल, और दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।